वो जादुई चाबी है जिससे सफलता के हर द्वार को आप आसानी से खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, हाँ कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक जो भी आपको पता नहीं होगा आपको सब कुछ पता होगा और आप आसानी से कह सकेंगे हाँ कि मुझे सर्कुलर मोशन बहुत ही आसानी से आ गया। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसका तीसरा पार्ट, सर्कुलर मोशन का वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब जब कोई पार्टिकल ऊर्ध्वाधर वृत्ति में गति करता है ऊपर की ओर, ऐसे से करके शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान है ना। तो शक्तिमान अगर बन गया तो क्या होगा, शक्तिमान बनने के बाद में हम इसको एक चक्र मान लेते हैं, ऐसे करके ऊपर की ओर चक्र रखा हुआ है, इस चक्र में कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी कहाँ पर कम होगी, या ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे करके पहले तो ऐसे घुमा रहे थे, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने एक सर्किल मैं ड्रा करता हूँ दूसरे स्केच से। तो ये मैंने बनाया बहुत बड़ा सा सर्किल, ठीक है, ओके बन गया ये, ठीक है बन गया। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये इसकी रेडियस है, ये इसका दूसरा वाला पार्ट है इधर की ओर, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कोई एक लोकेशन है यहाँ पर, कहीं पर एक छोटा सा कोई भी लोकेशन ले लीजिए जो आपको समझ में आए, वहाँ पर एक लोकेशन है, उस लोकेशन की वैल्यू, उस लोकेशन की जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, ये पॉइंट है पी, इसको हमने पी मान लिया, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे से घूम रहा है ऐसे से करके, तो इसकी ये डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये हो गया वी। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है वी पी वेलोसिटी, और ये इसका भार एक पार्टिकल है, द्रव्यमान है, मान लो ये द्रव्यमान है, एक ये एक द्रव्यमान है, ये नीचे की ओर वेट लगा रहा है अपना एम जी, एम जी मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा सा मुन्नू से लिख रहा है ये, है ना छोटा मुन्नू, तो मैंने लिखा ये बड़ा सा एम जी। ठीक है, अब ये थीटा एंगल पर हमने मान लिया, थीटा एंगल पर है, अगर ये थीटा एंगल पर है तो इसके दो फैक्टर काम करेंगे, एक नीचे की ओर काम करेगा इधर, ये इधर की ओर ये काम करेगा इसका एम जी कॉस थीटा, और एक इधर इसका इस तरफ काम करेगा। अगर बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ये हो जाएगा, ये बन गया लाइन, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। हालांकि थीटा की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ और सिर्फ इससे काम चला लेंगे। तो टेंशन किधर लगने वाली, देखिए ये बाहर नीचे लग रहा है तो टेंशन हालांकि ऊपर लगने वाली है। ठीक है, टेंशन ऊपर लगा दीजिए, फोर्स इधर लगा दीजिए। ठीक है, कई बुक्स में टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में दी हुई है, पर आपको ऐसे ही इसको सॉल्व देखना है, याद रखना है। तो बस हो गया हमारा काम, ये मास एम हो गया, वेलोसिटी वीपी हो गई, एम जी कॉस्ट नीचे लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, बैलेंस कर दीजिए, बस हो गया काम अपना। तो ये हो जाएगा हमारा टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई रेडियस, हम लेते हैं एल, आर ले लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, किसी का क्या जाता है। और ये हम ले लेते हैं यहाँ से दूरी इसकी, ठीक है एक ही लाइन खींच लेंगे, अभी हम आगे थोड़ा इसका डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एल हो गया, और इस एल की लेंथ हम यहाँ पर लिख देते हैं यार आपके लिए, नहीं तो आप कहोगे ये क्या कर रहे हैं मास्टर साहब, ये एल हो गई भैया, ये हो गई एल, ये हो गया ओ, ठीक है सेंटर। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब हम इसको घुमाने वाले हैं, तो घुमा के क्या होगा, घुमा के भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर पी वाले पॉइंट पर हमें टेंशन मालूम चल गई है। अब सपोज करिए कि ये वाला पी घूम के जब यहाँ पहुँचेगा, हमने अब इसकी पॉइंटिंग तो करी ही नहीं है, ये है मिडिल पॉइंट एम वन, ये है हायर पॉइंट एच, ये है मिडिल पॉइंट एम टू, और ये है लोअर पॉइंट एल। ठीक है ना, नामकरण हो गया, अब बस छमछा होना है, छमछा ये है, एक पॉइंट एस रख लीजिए प्रदीप साहब एस, ठीक इतना हो गया। अब जब ये वाला पार्टिकल घूम के यहाँ पर पहुँचेगा एच पर, तब सपोज करिए कि एंगल कितना बनने वाला है, अभी ऐसे है ऐसे करके, ठीक है, अब जब ये घूमेगा 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 घूम के ऐसे हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो गया ना, 180 इधर देखिए 180 एंगल हो गया, ये 180 एंगल हो जाएगा।
अब हम पहुंचेंगे पॉइंट एट एच पे। तो एट पॉइंट एच। इस एच पॉइंट पर क्या होने वाला है? इस एच पॉइंट पर होने वाला है बहुत बड़ा खेला। तो इस एच पॉइंट पर आइए। तो एच पॉइंट पर पहुंचते ही थीटा क्या हो जाएगा, पहले समझिए। थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। फिर जब यहाँ से ऊपर वाले बिंदु पर ये पहुंच जाएगी डोरी, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है डोरी, जब ऊपर पहुंच जाएगी तो डोरी में तनाव भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कि सपोज करिए आपने धागे को घुमाया ऊपर, धागे को घुमाते हुए जब ऊपर पहुंचेगा धागा, यहाँ पर अगर रुक जाएगा तो यहाँ पर तनाव तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जी ऊपर से काम करेगा और इधर से काम करेगा, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो तनाव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर तनाव कितना हो जाएगा? तो टी एच कितना हो जाएगा? जीरो। अगर टी एच जीरो हो गया, मतलब टी जीरो हो गया, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है? अगर हमने टी को जीरो कर दिया, टी जीरो हो गया, माइनस एम जी कॉस 180 इज इक्वल टू एम वी एच लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर बाई एल हो गया, तो जीरो हो गया। तो m से m कैंसिल हुआ, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस वन मैंने यहाँ रख दिया तो ये हो गया माइनस और ये माइनस g, ठीक है, ये l इधर आ गया तो ये हो गया इधर l बराबर वी एच स्क्वायर, ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, तो तीन बिंदु लग गए, वी एच इज इक्वल रूट में जी एल, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रांतिक वेग, ठीक है। क्रांतिक वेग किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनेशन ये होती है किसी भी पार्टिकल की ऊर्ध्वाधर वृत्त में ऐसी गति जिससे वो उच्चतम बिंदु को प्राप्त कर सके, मतलब हायर वाले पॉइंट तक पहुंच सकता है, जो मैक्सिमम हाइट पर पॉइंट हो वहां तक पहुंच सके, ऐसी वेलोसिटी। मगर अगर आप सपोज करिए कि आपको मतलब अपने रसमलाई चमचम को कुछ फेंकना है, पहुँचाना है, और आप घर के बाहर खड़े हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे? पापा तो नीचे हैं, मम्मी भी नीचे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप ऐसे फेंक देंगे ऊपर। अब आपको दिमाग लगाना है ये कि आपको इस हिसाब से फेंकना है कि वो पहली मंजिल पे ना रह जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी वेलोसिटी जिससे वो हायर पॉइंट पे पहुंच सके, अपनी रस मलाई के चमचम के पास पहुंच सके, वही वेलोसिटी जो होती है ये होती है, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हम इसको लिखते हैं वीसी से। तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल रूट जी एल, ये हो जाएगा, हम लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ये हो गया, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमें चाहिए तनाव भी, ठीक है, टेंशन भी चाहिए हमको एच पॉइंट पर, एम पॉइंट पे भी चाहिए, एम टू पॉइंट पे भी चाहिए, एल पे भी चाहिए, सब जगह हमको चाहिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एनर्जी का एनालिसिस इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर। सबसे पहले पी पॉइंट पर एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी एट पॉइंट पी, पी वाले पॉइंट पर एनर्जी एट पॉइंट पी, ठीक है। तो P पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो एनर्जी हो जाएगी P वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगी बताइए? हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ लिखेंगे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास? ई पी मतलब टोटल एनर्जी है, ठीक है, बराबर के और पी प्लस यू और पी, ये है काइनेटिक, ये है पोटेंशियल। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से काउंट करते हैं? नीचे से काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी हाइट पर है पार्टिकल, यहाँ से देख लीजिए, इतनी हाइट पर है, मतलब इतनी हाइट पर है ये पार्टिकल, इतनी हाइट पर। अगर इतनी हाइट पर है तो एच कितना होगा? एस इंटू एल, ठीक है। अब एस एल निकालने के लिए आपको एक खेल खेलना पड़ेगा, खेल ये खेलना पड़ेगा, अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, रेडियस है, ठीक है। अगर ये एल है तो ये इतना कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल कितनी है? एल है, तो इसमें से घटा दीजिए। अगर इतनी 5 है, इतनी 4 है, तो ये कितनी बचेगी? एक कैसे निकाला? लेस करके, तो लेस कर दीजिए। अगर लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल हाफ
एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी कितना हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। फिर आ जाइए दूसरे में, इतना हो गया ना। अब एनर्जी निकालिए एच पॉइंट पे, फिर लिखना पड़ेगा अच्छे इसको। चलिए लिख देते हैं भैया आपके लिए, एनर्जी एट पॉइंट एच, बहुत ही सिंपल है, ई एच, ठीक है। ई एच मतलब हायर वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा के एच प्लस यू एच, तो के एच कितना हो जाएगा वन बाई टू एम वी एच स्क्वायर, अभी हमने वी एच निकाला था, ठीक है याद रखिए आप। इतना हो जाएगा प्लस एम जी एच, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टू एल, हो जाएगा टू एल, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए जरा, हाफ एम वी एच कितना हो जाएगा वी एच, ये हमारा वी एच है रूट जी एल, तो जी एल हो जाएगा ओनली जी एल, मतलब हाफ जी एल प्लस ये एक और जी एल, तो एम जी एल, मतलब ये टोटल कितना आएगा फाइव बाई टू एम जी एल, इक्वेशन नंबर टू। आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं पर या हर बिंदु पर एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो ई पी ई एच बराबर हो जाएंगे, दोनों की एनर्जी को बराबर कर दीजिए, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 5 बाई टू एम जी एल, एम जी एल बराबर 5 बाई टू एम जी एल बराबर हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एल, एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस थीटा, मैंने इसको गुणा कर दिया अंदर, ठीक है। एम 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 सारे एम है, यहाँ पर देखो एक एम है, यहाँ पर ढाई एम है, मतलब पाँच बटे दो, पाँच बटे दो से एक लेस करोगे कितना बचेगा साढ़े तीन, मतलब सॉरी डेढ़, तीन बटे दो। तो ये हमने कट किया पहले एम, ये एम और ये एम और ये एम, तो यह हो जाए तीन बटे दो जी एल, ये हो गया, ये वाला इधर लेकर चले आओ, ठीक है, माइनस का हो गया ये प्लस, ये हो गया जी एल कॉस थीटा बराबर वन बाई टू एम वी पी स्क्वायर। अब ये टू यहाँ पर वन लेके एलसीएम ले, वो काट पीट दो, ये हो जाएगा थ्री जी एल प्लस टू जी एल कॉस थीटा रूट में बराबर वी पी, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला एक, ठीक है, ये हो गया वी पी। अब इस वी पी से हम सभी बिंदुओं पर जो टोटल मान निकाल सकते हैं, सपोज करिए कि हमें एम वन पे निकालना है, एम वन पर, एम वन पर थीटा कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे रखिए 90, 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3GL रूट में, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3GL, मतलब इधर, अरे ये किधर चला गया भाई, इधर छोड़ जा, ये हो जाएगा इधर, यहाँ इस वाले पॉइंट वेलोसिटी हो जाएगी हमारी वी एम वन बराबर रूट में 3GL, 3GL वैसे इधर भी इतनी है, यहाँ पर भी हो जाएगी 3GL रूट में। हायर पे आपको पता है कितनी होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वी एच, कितना हो जाएगा रूट जी एल, यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे जीरो रखेंगे, अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 5GL हो जाएगा, 5GL 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 इधर हो जाएगी हमारी 5GL, कहाँ पे लिखूँ मैं आपके लिए, ये लिख देता हूँ 5GL, ठीक है रूट में, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला मान हम यहाँ रख देते हैं, ये पी लगा दीजिए यहाँ पर, तो अब टी आ जाइए, टी टेंशन निकालना, सारे पॉइंट पे हो गए ना, टेंशन निकालिए, टेंशन माइनस का बराबर कर दीजिए बराबर एम जी कॉस का थीटा हो गया, और प्लस प्लस का एम वी पी स्क्वायर दिया तो 3GL जी एल प्लस 2GL कॉस थीटा, ये हो गया, बाई कितना हो जाएगा L, तो ये L ये L ये L कैंसिल, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस 3GL प्लस 2GL, चलो जोड़ देते हैं आपके लिए 3M 3G, ये मैं क्या कर रहा हूँ 3MG प्लस का 2MG कॉस थीटा, तीन और दो पाँच, ऐसा होता है क्या, तीन दो एक तीन होता है, अच्छा 3MG प्लस 3MG cos थीटा, ये हो गया हमारा टेंशन। अब इसको और भी मॉडिफाई कर लीजिए,
टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3mg बाहर और ये बचेगा अंदर में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गई आपकी वैल्यू भाई साहब, ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यूज निकालनी, जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 रखिए, 0 ये हो गया, 0 का मान 1 होता है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा 6, मतलब यहाँ पर जो तनाव है मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जो तनाव है, यहाँ लिखिए टेंशन जो है 6 mg मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। 180 माइनस 1 माइनस से कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 पे कितना हो जाएगा, 90 मतलब 0 मतलब 3mg टी इज इक्वल 3mg, ऐसे यहाँ पर भी 3mg आ जाएगा, 3mg, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए, तो आई होप आप ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा, ओके ले लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, यूँ ही अपना प्यार देते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है उसमें ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद।